Richa, and welcome to our channel. Well, it's day 2 of Healthy Navratri Challenge. But if you don't know about the series, let me repeat myself that in this series, we are going to share 8 recipes, 8 healthy recipes in 8 days for your Navratri. Jisme se hum already share kar chuke hain kal. So if you want to check out the, that recipe, I'll put the link in the description box below and at the end of this video. And if you're planning to fast during Navratri or you plan to detox your body or cleanse your body like me, then stay tuned to Married Friends. Acha, chalo, moving on. Aaj na hum kuch meetha banate hain kyunki kya hota hai na jab bhi aisa kuch healthy eating wala challenge hota hai na tab मुझे मीठा खाने की मिठाई खाने की ना बहुत क्रेविंग होती है हलवा रसमलाई गुलाब जामुन बट ऑब्वियसली आई ट्राई टू अवॉइड दीज थिंग्स पर एक चीज़ है जो मैं घर पर बनाती हूँ जिसपे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती बहुत ईजिली बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती एक मेन इन्ग्रीडियंट होता है दैट इज़ स्वीट पोटैटो स्वीट पोटैटो ऑलरेडी नेचुरली स्वीट होता है तो उसमें हमें अलग से ज़्यादा शुगर भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो थोड़ा सा वो हेल्दी रहता है तो आप भी ट्राई करिए हम काफ़ी बनाते रहते हैं इसको घर पे बिकॉज जतिन को ना खाना खाने के बाद मीठा खाने का थोड़ा नहीं इनफैक्ट काफ़ी शौक है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना कुछ हेल्दी हो सके वो मैं घर पर बना दूँ तो हमारे घर में तो ये काफ़ी बनता रहता है बट अगर आपने ये कभी ट्राई नहीं किया तो इस नवरात्रि पक्के से ज़रूर ट्राई करना एंड आई एम श्योर दैट यू लव दिस रेसिपी तो साबूदाना की स्वीट पोटैटो की खीर और स्वीट पोटैटो का हलवा देखते हैं उसकी रेसिपी बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल Thank you.
Thank you.